आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधारमन हरि भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का रविवार उत्सव में स्वागत है। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया अपना मोबाइल आधे घंटे के लिए साइलेंट मोड पर लगा लें। तो आज हम लोग बहुत विशेष श्लोक पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ विशेष टॉपिक है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का श्लोक संख्या 6 और 7। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नस्य मत्परः अनन्येव योगेन मां धायन्त उपासते तेषामहं समुद्भर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेश चेतसाम। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्भर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेश चेतसाम। शब्दार्थ ये जो तू लेकिन सर्वाणि समस्त कर्माणि कर्मों की मैं मुझ में सन्यस्य त्याग कर मत परह मुझ में आसक्त अनन्य अनन्य एव निश्चय ही योगेन ऐसे भक्ति योग के अभ्यास से माम मुझको ध्यायंत ध्यान करते हुए उपासते पूजा करते हैं तेसाम उनका अहम में समुद्धरता उद्धार मृत्यु मृत्यु के संसार संसार रूपी सागरात समुद्र से भवामी होता है न नहीं चिरात दीर्घ काल के बाद पार्थ हे प्रथापुत्र मैं मुझ पर आवेशित स्थिर चेतसाम मन वालों को। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद देखी, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, ध्यान पूर्वक सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे व्याख्या करेंगे। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसकी उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने
कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में श्लोक आया है, नयामि परम स्थान मचिरा दिगतिम बिना गरुण स्कंद मारोप्य यथेच्छ मणिवारप्यः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को बचा नहीं सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावना अमृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, सवे यावे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिंतन का ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठान, यज्ञों, दान पुण्यों से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से भक्त सरलता पूर्वक सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति करनी चाहिए, इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम अज्ञान तिम्रान्नस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनान्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा हाँ कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में हम लोगों को क्या निर्देश दे रहे हैं अर्जुन महाराज के माध्यम से, आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान ने बोला है कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के जंजाल से बाहर निकलना चाहता है, उसको ऐसा करना होगा। आप में से सब लोग निकलना चाहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से कि फंसे रहना चाहते हैं? कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं, लेकिन निकलने के लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? बोले संडे के संडे 2 घंटे के लिए आना होगा, बस फिर निकल जाएंगे। तो ये माध्यम हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ करना होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के सागर से निकलना चाहता है, जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, जो व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका वर्णन ऊपर दिया है। आपने कहा कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना कौन चाहता है? जिसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्या लग रही हो, जिसको ये लग रहा हो कि वास्तव में जीवन में सबसे बड़ी समस्या तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने के लिए छटपटाएगा या बचने की चिंता करेगा। हम लोगों को तो केवल पूछा जाए तब हाथ खड़ा करते हैं बस, वैसे हमारा कोई चिंतन नहीं है कि नहीं वास्तव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चिंता का विषय है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, भगवान के सामने बैठे हो, कम से कम यहां तो झूठ मत बोलो, सही सही बताओ बिल्कुल। कितने लोगों को इस बात की चिंता है कि वास्तव में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि कितनी बड़ी समस्याएं हैं, जो मेरी सांसारिक समस्याएं हैं या जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो चल रहा है वो जो समस्याएं हैं उनसे बहुत ज्यादा बड़ी समस्या ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। ऐसा कितने लोगों को वास्तव में फील होता है? बहुत अच्छा, काफी लोग हैं जिनको ये चिंतन है, अच्छी बात है। तो वास्तव में ये जो चिंतन है यही चिंतन आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। जिस व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चिंता नहीं है वो व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहेगा, और जिस व्यक्ति को इस बात की चिंता है वास्तव में कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्या है, वो व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन से निकल करके भगवान का भजन करेगा। इसको सरल भाषा में समझें, जीवन में हम सब लोगों ने बड़े सुख को पाने के लिए छोटे सुख का त्याग किया है। किया है कि नहीं किया है, समझ लीजिए कैसे। बचपन में जब हम खेलते थे तो खेलने में क्षणिक सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, लेकिन माता पिता ने डांटा, समझाया, प्यार किया कि बेटा बड़ा सुख मिलेगा, पहले ये पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, होमवर्क करो, स्कूल जाओ, ट्यूशन करो, खेलना तो जीवन भर चलता रहेगा, अभी ध्यान पूर्वक इन छोटे सुखों का त्याग करो जिससे तुम्हें बड़ा सुख जीवन में मिलेगा, है ना। और आपने वो छोटा सुख त्याग दिया बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए, और जिन लोगों ने अपने छोटे सुख को त्यागा वो लोग स्वाध्याय करके, अच्छा पढ़ाई करके, अच्छे एग्जाम दे करके
आज अच्छे पदों पर पहुंच गए और अब उनका जीवन सांसारिक दृष्टि से सुखमय है। लेकिन अगर वो बचपन में ही उन सुखों का त्याग नहीं करते, उन छोटे सुखों का त्याग नहीं करते, तो उनके जीवन में जो बड़ा सुख था वो उनको मिलता? तो बड़े सुख को त्यागने, बड़े सुख को पाने के लिए छोटे सुख का त्याग हम निरंतर करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। किस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता कि वो कोई काम धाम न करे, घर में बैठा पकोड़े मंगोड़े खाता रहे, पत्नी बच्चों के साथ गपियाता रहे? हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पत्नी बच्चों के भविष्य के लिए वो मेहनत करता है, वो दिन रात मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है और प्रयास करता है। लक्ष्य क्या है? छोटे सुख को त्यागता है बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन चूंकि हमको संसार का ही ज्ञान है, संसार के दो ही सुखों का ज्ञान है, छोटा सुख या बड़ा सुख, नित्य सुख का हमें कोई ज्ञान नहीं है। नित्य सुख यानी ऐसा सुख जो कि कभी खत्म ना हो, वो सुख का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बड़े सुख को नहीं त्याग पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति को नित्य सुख चाहिए, उसे छोटा और बड़ा ये दोनों सुख क्या करने पड़ेंगे? त्यागना पड़ेगा। जो नित्य सुख चाहता है, जो बड़ा सुख चाहता है, वो छोटे सुख को त्यागता है। और छोटा सुख को त्याग करके वो किसी पर एहसान नहीं करता, वो अपने ही भविष्य को उज्जवल बनाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति संसार के भौतिक भोगों को त्याग कर भगवत चिंतन करता है, भगवत भजन करता है, भगवत आराधना करता है, वो जन्म मृत्यु रूपी समस्याओं से निकल जाता है। लेकिन जो कम बुद्धिमान है लेकिन मानते अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसे लोगों के साथ बड़ी समस्या है। वो लोग प्रश्न करेंगे कि भैया तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तुम भगवान की आराधना कर रहे हो, क्या तुम नहीं मरोगे? भाई हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो, हम भी मरेंगे और तुम भी मरोगे, तो क्या अंतर है? तो शास्त्र में बताया, गुरुजनों ने बताया कि वास्तविकता में संसार में एक उदाहरण देकर के बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि चूहे को भी बिल्ली पकड़ती है और अपने बच्चे को भी बिल्ली पकड़ती है। अपने बच्चे को तो बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है और एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख देती है, और देखने वालों को ऐसा लगता है कि इसने अपने बच्चे को मार दिया। लेकिन वास्तव में उस बच्चे को दांत का कोना भी चुभता नहीं है, छूता नहीं है, ब्लड नहीं निकलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? दांत आर पार हो जाते हैं। चूहे को कितनी पीड़ा होती है आप उसको सोच नहीं सकते। तो ऐसे ही भक्त भी मृत्यु को प्राप्त होता है और संसारी व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। भक्त मृत्यु को ऐसे प्राप्त होता है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठा करके एक स्थान से वहां पर रख दे। भगवदगीता में भगवान बोलते हैं मैं साक्षात मृत्यु हूं। तो भक्त को तो भगवान क्या करते हैं, इस मृत्यु लोक से उठाकर गोलोक धाम पहुंचा देते हैं। और जो भक्त नहीं है उस व्यक्ति को क्या होता है? चूहे की तरह दबोचा जाता है। तो आपको अभी भी बात बहुत स्पष्ट नहीं हो रही होगी, तो इसको और गहराई से समझो। वास्तविकता में जब संसार का व्यक्ति संसार छोड़ता है तो उसकी संसार में बड़ी अटैचमेंट होती है, घर में, परिवार में, पद में, धन में, पत्नी में, बच्चे में, शरीर में, प्रतिष्ठा में, पड़ोस में, सब जगह। और उससे जब वो चीजें सब अचानक छूटती हैं तो वो बहुत विचलित होता है, बड़ा कष्ट पाता है। लेकिन चूंकि भक्त, जो वास्तव में भक्त है, वो पहले से जानता है कि संसार में कोई चीज मेरी नहीं है, सबका मालिक भगवान है। मैं तो केवल, मुझे कुछ ड्यूटी दी गई है, भगवान ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, उनको निभा रहा हूं बस। मेरा इस संसार में किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु आती है तो वो पहले से जानता है कि मेरा कुछ नहीं है, तो उसे छोड़ने में कोई दिक्कत? इसको और सरल तरीके से समझिए। आप किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक ने इशारा किया कि भैया खाली कर दो, तो आप दूसरा घर देखते हैं और बिना कष्ट के उसको खाली कर देते हैं।
लेकिन एक आपका घर है जिसे आपने अपना मान रखा है, अभी उसमें से जबरदस्ती कोई आपको निकाल के बाहर खड़ा करे तब क्या होगा, पीड़ा होगी कि नहीं होगी? तो सेम ऐसे ये सब मानसिकता का खेल है। मृत्यु के बाद भी मन बुद्धि अहंकार मेरे साथ रहेगा, इसलिए जीते जी इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि संसार की कोई भी चीज मेरी नहीं है, न ये शरीर मेरा है, न शरीर से जुड़े हुए संबंध, पत्नी, बच्चे, पद, संसार, कोई भी चीज मेरी नहीं है, सब कुछ किसकी है? भगवान की है। इतनी सी बात समझने पर व्यक्ति बहुत आसानी से जीवन जीता है, बड़ा आनंद का जीवन जीता है, और जब तक वो अपने आप को सबका मालिक मानता है तब तक उसका जीवन बड़ा नरक में रहता है, कष्ट में रहता है। संसार में दो प्रकार की मानसिकताएं हैं, एक दैवीय मानसिकता है और एक आसुरी मानसिकता है, यानी दो स्वभाव हैं, एक आसुरी स्वभाव है और एक दैवीय स्वभाव है। दैवीय स्वभाव का मतलब है वो लोग जो भगवान के आदेशों के अनुसार जीते हैं, और आसुरी स्वभाव का मतलब है वो लोग जो भगवान के आदेशों के विपरीत जीवन जीते हैं, वो अपने नियम खुद बनाते हैं, वो अपना जीवन जीने का तरीका खुद चुनते हैं, बल्कि भगवान के आदेशों की उपेक्षा करते हैं। तो ये दो प्रकार के लोग हैं, और इस तरह का परिचय शास्त्रों में कई जगह दिया गया कि दो तरह के लोग हुए हैं, अच्छे और बुरे, और उनके अलग अलग परिणाम सामने आए उनके जीवन में, और उन्होंने कितना कष्ट पाया और दूसरे ने कितना सुख पाया, यानी एक भक्त ने कितना सुख पाया जीते जी भी और मरने के बाद भी, और अभक्त ने जीते जी भी कष्ट पाया और मरने के बाद भी। इसके ऊपर बड़ा सुंदर एक आत्मदेव की कथा है। आत्मदेव की कथा सुनी आप लोगों ने, धुंधकारी और गोकर्ण की धुंधकारी और गोकर्ण की। तुंगभद्रा नदी के पास एक महानगर था, उसमें आत्मदेव नाम के राजा रहते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़ा संपन्न थे, धनी थे, और उनकी पत्नी थी धुंधली, और दोनों बड़े संपन्न थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। लेकिन जो धुंधली थी वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव की थी और बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर थी, अपने ही सुख का बहुत ध्यान रखती थी, अपनी बड़ी चिंता करती थी। आत्मदेव संसार में सब कुछ होते हुए, धन संपत्ति, घर, व्यवसाय, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं था क्योंकि कोई संतान नहीं थी। इसलिए बड़ा दुखी होकर के वो वन में चला जाता है, और वन में जाकर के बड़ा रो रहा होता है, विलाप कर रहा होता है। तो वहीं एक उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो उस आत्मदेव के रोते हुए आवाज को सुनकर के उनके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या समस्या है, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव बोलते हैं, भगवान, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की इच्छा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर पुत्र नहीं है, परिवार नहीं है, तो फिर सारा जीवन, सारी चीजें बेकार हैं, उनका कोई आनंद नहीं है। तो वो भक्त देखते हैं, वो महात्मा देखते हैं कि तुम्हारे तो प्रारंभ में पुत्र का सुख नहीं है। तो बोलता, नहीं नहीं, हमको तो पुत्र चाहिए। जब बहुत ज्यादा विनम्रता से विनती करता है, आराधना करता है, तो महात्मा कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वो दयावश उनको एक फल देते हैं कि ले जाओ ये फल और अपनी पत्नी को दे देना, इससे तुमको संतान उत्पन्न होगी और तुम अपने गृहस्थ आश्रम का पूरा आनंद ले पाओगे। वैसे तो ये गृहस्थ आश्रम बड़ा कष्टमय है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है कि तुम गृहस्थ के सुखों का, विषयों का भोग करना चाहते हो, तो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना। आत्मदेव आते हैं और अपनी पत्नी को बड़ा प्रसन्न होकर के वो फल देते हैं, लेकिन वो जो पत्नी है वो थोड़ा कुटिल स्वभाव की है, उसके मन में विचार आता है कि अरे, मैं सुकोमल, मैं इतनी सुंदर स्त्री, और अभी अगर मैं गर्भ से हो गई तो मेरा पूरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, और अगर सुखदेव जैसी संतान हो गई तो गर्भ से वो न निकली तो बड़ी समस्या, और अगर टेढ़ा मेढ़ा बच्चा पैदा हो गया तो फिर मेरे जीवन को खतरा, और सुना है कि जब माँ गर्भ धारण करती है तो उसका भोजन कम हो जाता है, उसको बार बार कुछ भी खाने पर उल्टियां आती हैं,
तो इतना कष्ट मुझसे नहीं सहा जाएगा, इससे तो अच्छा मेरा जीवन ऐसा ही अच्छा है। और ऐसा विचार करके वो अपने पति के साथ कपट करती है और उस फल को क्या करती है, गाय को खिला देती है। और अपनी बहन से सारी चर्चा करती है, माताओं का काफी क्लोज संबंध होता है बहनों से, तो उनको भाई सारी बात बताती है, बोले ऐसी ऐसी बात है, क्या करें, अब हमने वो फल तो उनको खिला दिया और अपने पति से बोल दिया है ये, अभी कैसा करें, तुम ऐसा करो तुम अपना बच्चा मुझे दे देना। तो बोलती ठीक है तुम मेरे पति को कुछ धन दे देना और हम कोई दिक्कत नहीं, हम अपना बच्चा तुमको दे देंगे, तुम बोलना कि हाँ ठीक है, तुम नाटक करना कि तुम गर्व से हो और बाद में हम तुमको अपनी संतान दे देंगे। तो वैसे ही करती है, फाइनली अपनी बहन के पास चली जाती है और बहन का बच्चा लेकर के आती है और बोलती है कि ये बच्चा मेरा है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है धुंधकारी। और उधर गाय ने जो वो फल लिया था उससे भी एक संतान होती है, उसके कान गाय के कान जैसे होते हैं, इसलिए उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। गोकर्ण बड़े सज्जन स्वभाव के, साधु स्वभाव के महान भक्त होते हैं, और जो धुंधकारी है वो बड़ा दुष्ट होता है। संतानें भी दो ही प्रकार की होती हैं, जैसे जीव दो प्रकार के हैं, असुर तथा देवीय, और असुरी असुर भावना रखने वाला पुत्र दुष्ट पुत्र कहलाता है और देवी स्वभाव रखने वाला पुत्र सज्जन आज्ञाकारी पुत्र कहलाता है। तो गोकर्ण तो बड़े आज्ञाकारी थे और जो धुंधकारी थे वो बड़ा दुष्ट था, और वो बड़ा घर में क्लेश करता था, झगड़ा करता था। तो आत्मदेव को गोकर्ण उपदेश देते हैं, गोकर्ण अनुरोध करते हैं, पिताजी वास्तव में पुत्र मोह में मत फंसो, अब आप इस सबको छोड़ करके निकलो, ये तो रोज झगड़ा करता है, आप इन सबसे निकलो, भगवान का भजन करो, अब जीवन में मूल लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, संसार का समस्त भोगों को विषयों को आपने भोग लिया है, देख लिया है, अब आप भगवान का भजन करो। और आत्मदेव गोकर्ण की बात मान करके भगवान का भजन करने वन में चले जाते। लेकिन जो उसकी माँ है धुंधली, वो बड़ा कष्ट पाती है, क्योंकि वो धन को प्राप्त करने के लिए माँ को मारता है, पीटता है, निरंतर परेशान करता है। और एक दिन तंग आकर के उसकी माँ क्या करती है, कुएं में कूद करके प्राण त्याग देती है। और ये धुंधकारी क्या करता है, पांच पांच वेश्याओं को अपने घर में लाता है और उनके साथ रहता है, चोरी करता है, डाकू डकैती करता है, मर्डर करता है, कोई ऐसा पाप नहीं होता जो वो करता नहीं है। और इन पापों के करने का एकमात्र कारण होता है उसका इंद्रिय सुख, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपनी इंद्रियों से ज्यादा सुख ले सकता है। पहली वेश्या को लाया तो उसको लगा इसमें सुख है, उससे जब मन नहीं भरा तो दूसरी वेश्या को लाया, बोले इसमें सुख है, अगर पहली वाली में होता तो पहले ही मिल जाता, इतनी बात उसको समझ नहीं आई, तो दूसरी को लाया, तीसरी को लाया, चौथी को लाया, पांच को लाया, और पांचों वेश्याओं के साथ एक साथ रहता था। वेश्याओं ने देखा कि ये तो बड़ा पापी और बड़ा नालायक है, राजा कभी भी इसको पकड़ेगा और कभी दंड देगा और हम लोगों का जीवन भी संकट में आ जाएगा। तो एक बार वो बहुत ज्यादा माल लूट करके लाया तो उन वेश्याओं ने क्या किया, उसको घर में प्लान किया, बोले इसको मार देते हैं वरना ये खुद हमको भी मरवाएगा। और उन पांचों वेश्याओं ने मिलकर क्या किया, उस धुंधकारी को मार दिया। जब वो मर नहीं रहा था तो शास्त्र में वर्णन है, वो जलता हुआ कोयला लाई और वो बोल चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो उसके मुंह में जलता हुआ कोयला भर दिया, तो फाइनली वो उसका हरि बोल हो गया। अभी वो शरीर छोड़ दिया लेकिन शरीर में उसने पाप ही पाप किए थे, कभी भगवान का भजन साधना स्वाध्याय चिंतन ये तो उसके जीवन में छूके नहीं था, साधु संतों की सेवा तो उसने सपने में भी नहीं करी थी, उसने केवल जीवन में एक ही भाव रखा था कि इस शरीर से ज्यादा कैसे सुख लिया जाए। और आज के संसार में भी लोगों की अधिकतर यही मानसिकता है कि हम अपने इस शरीर से ज्यादा सुख लें, शारीरिक सुखों को भोगें और उसके लिए जायज नाजायज जो भी कार्य हो किया जाए, क्या पाप है क्या पुण्य है कुछ नहीं, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं करूंगा। तो ऐसा करते हुए उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है और धुंधकारी प्रेत बनता है। इधर प्रेत बनके वो बवंडर बनके घूमता है और आत्मदेव भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में निरंतर लीन रहते हैं। एक बार आत्मदेव आते हैं अपने घर पर
और जब घर पर लेटते हैं तो वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप दिखा करके आत्मदेव को डराने का प्रयास करता है। आत्मदेव देखते हैं कि ये कौन है, तो बड़ा कष्ट पा करके आता है और बड़ा रोता है। गोकर्ण से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे उद्धार का कुछ व्यवस्था करो। तो आत्मदेव जाते हैं, संत महात्माओं से बात करते हैं और बात करके प्रयास करते क्या किया जाए, कैसे इसका उद्धार हो, क्या ऐसा कर्म किया जाए जिससे इसका कल्याण हो। तो संत वैष्णव बोलते हैं सूर्य नारायण से बात किया जाए, सूर्य नारायण सही सजेशन देंगे। तो वो सही बताते हैं कि इसको अगर श्रीमद् भागवत का पाठ कराया जाए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए, तो ये प्रेत योनि से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम जा सकता है। तो ऐसा सुनते ही गोकर्ण आकर के अपने घर में भागवत कथा का आयोजन करते हैं और गांव क्षेत्र के सब लोगों को बुलाते हैं और भागवत कथा का शुरुआत होती है। इधर धुंधकारी भी आता है और देखता है कहां बैठे, तो वहां एक सात गांठ वाला बांस रखा हुआ था, तो उस गांठ के पोल में पहले वाले में जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त होती है तो सब लोग देखते हैं, बड़ी जोर से आवाज आती है और वो बांस चटक जाता है, ऊपर का वो चटक जाता है। ऐसे करके दूसरे दिन दूसरी गांठ चटकती है, तीसरे दिन तीसरे, और सात दिन बड़ा ध्यान पूर्वक वो श्रीमद् भागवत का पाठ सुन करता है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, बड़ा एकाग्र भाव से मनन करते हुए। और जब पूरी भागवत कथा का विश्राम होता है तब विमान आता है और विमान में धुंधकारी बैठता है और बड़ा सुंदर आप जो प्रेत योनि है उसको त्याग कर बड़ा सुंदर शरीर प्राप्त करता है और विमान में बैठता है और गोकर्ण को बड़ा धन्यवाद देता है और उसमें बैठ करके चला जाता है। लेकिन गोकर्ण प्रश्न करते हैं कि कथा तो इतने लोगों ने सुनी है, ये विमान एक ही क्यों आया? तो विष्णुदूत बोलते हैं कि वास्तव में सुनी तो सबने है, लेकिन किसी ने यहां से सुनी है और यहां से निकाल दी है, और किसी ने ज्यादा से ज्यादा यहां से सुनी और यहां से निकाल दी है, लेकिन यहां से सुन के यहां पर ले जाने वाला ये एकमात्र धुंधकारी है। इसने कथा पर बड़ा मनन किया है, बड़ा विचार किया, बड़ा चिंतन किया है। चूंकि ये विभिन्न प्रकार के कष्टों को साक्षात भोग रहा था, इसलिए इसको भगवान की कथा में रंच मात्र भी संदेह नहीं हुआ। बहुत ध्यान पूर्वक उसने समझा और मनन किया और अपने पापों का मनी मन बड़ा प्रायश्चित किया। उसका परिणाम यह है कि यह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो गया है और यह भगवान के धाम जा रहा है। अगर आप पुनः कथा करो और ये लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक अगर कथा सुने और मनन करें तो ये सारे लोग भी भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो गोकर्ण जी पुनः कथा कहते हैं और अब की बार कथा बहुत ध्यान पूर्वक जितने लोग हैं वो सब सुनते हैं, क्योंकि वो सारा संवाद सुन रहे थे। और जब कथा विश्राम होती है तो सबके लिए विमान आते हैं और स्वयं भागवत में वर्णन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और सबको, जितने लोग हैं उन सबको सारूप्य मुक्ति दे देते हैं और अपने धाम वापस ले जाते हैं, और गोकर्ण को स्पेशल स्वयं भगवान ले जाते हैं। तो ये भगवत धाम जाने का विचार किसके मन में आएगा? जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होगा कि वो शरीर नहीं, भगवान का अंश है, आत्मा है, वो संसार में हमेशा के लिए नहीं है, 10 20 30 50 साल के लिए है बस, वो तो आगे के लोगों की, आगे की योनि की, अगले जीवन की परवाह करेगा। और जिस मूर्खानंद को केवल ये शरीर ही समझ में आ रहा है, जिसको ये शरीर ही दिख रहा है, अगले जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, पिछले जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, अभी मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होने वाला है उसकी परवाह नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़े ही भगवान का भजन करेगा और मनन करेगा गीता और भागवत के श्लोकों पर। गीता और भागवत के श्लोकों पर मनन करके उनको आत्मसात करने वाले व्यक्ति का लक्षण ही यह है कि वो वास्तव में जानता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और ये संसार में वो कुछ समय के लिए शरीर में है, निरंतर नहीं है। जिस स्थिति पर हम और आप हैं, इस स्थिति पे हम और आप हमेशा के लिए नहीं हैं,
कोई व्यक्ति किसी पद पर हो, किसी धन में हो, किसी रूप में हो, किसी शरीर में हो, ये शरीर की अवस्था क्या जैसी आज है वैसी ही हमेशा रहेगी? क्या आज हम संपन्न हैं, आज हम किसी पद पर हैं, आज हमारी बड़ी वैल्यू है, वो वैल्यू मेरी नहीं है, मेरे पद की है, वो पद छूटते ही वैल्यू खत्म। ढेरों ढेर लोगों के बड़े अनुभव हैं, लोग बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर होते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी केवल तब तक वैल्यू होती है जब तक पद पर हैं, पद पे निकलने के बाद फिर कोई नहीं पूछता। लेकिन जब तक व्यक्ति पद पर होता है तब तक वो ऐसा मूर्ख बनता है और वो अपने आप को वो पद ही मान लेता है। तो अगर हम थोड़े से भी बुद्धिमान हैं और ये सोच पा रहे हैं कि वास्तव में हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो वो व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा क्या लगती है? समस्या लगती है। अभी हम में से बहुत कम लोगों को ये समस्या लगती है। हमको लगता है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सब बूढ़े होंगे हम भी हो जाएंगे, सब मरेंगे हम भी मर जाएंगे, सबका अगला जन्म होगा मेरा भी हो जाएगा, सब माँ के गर्भ में मलमूत्र में उल्टे 9 माह तक लटकेंगे हम भी लटक जाएंगे, सबको 42,000 बिच्छू डंक मारने का कष्ट होगा हमको भी हो जाएगा। लेकिन पूरी शक्ति लगाओ इंद्रिय तृप्ति करने में, मन को सुधारने में नहीं, मन को पवित्र करने में नहीं, क्योंकि ये मन ही हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ले जाएगा और कोई नहीं ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस संसार में अगर सत्संग सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद, भगवान का नाम जप करने के बाद मेरा मन नहीं बदला, मेरी सोच नहीं बदली, मेरी धारणाएं नहीं बदली, तो सत्संग का कोई प्रभाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। विमान छोड़ो, यमदूत ही आएंगे लेने, 100% और कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा मनन करना, चिंतन करना, विचार करना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इसलिए नहीं वरना फिर आप ब्लेम करोगे। देखो हम तो हर संडे जाते थे कथा सुनने और मरे हैं तो देखो ये दो दो यमदूत आ गए, ये तो बड़ी गलत बात है, प्रभु जी ने धोखा कर दिया हमारे साथ, ये दो दो घंटे हमने अपने बर्बाद किए हर संडे को। तो अगर तुम ईमानदारी से गीता और भागवत की बात पर मनन किए बिना अपना आचरण नहीं बदलोगे तो 100% मरने के बाद यमदूत ही आएंगे, इसमें कतई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन अगर गोकर्ण की तरह आपने अगर अपना व्यक्तित्व बदल लिया, अभी आप क्या सोचते हैं, हम धुंधकारी हैं या गोकर्ण हैं? तो कुछ कहेंगे नहीं धुंधकारी तो नहीं है, हमने तो 5 वैश्याएं नहीं रखी हैं, हम तो धुंधकारी नहीं हैं। हाँ ठीक है, गोकर्ण भी नहीं है, उतने ज्यादा अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि धुंधकारी और गोकर्ण की मानसिकता क्या है? धुंधकारी की मानसिकता है मेरे सुख में, मेरे शारीरिक सुख से मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख लूं, यानी मैं खुद को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख दूं, ऐसी भावना धुंधकारी भावना है। जो ये सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कैसे सुख मिले, जो अपने सुख की परवाह करता है, जो अपने सुख के लिए ही सारे कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति भले ही किसी भी वेश में हो लेकिन वो धुंधकारी है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए स्वयं कष्ट उठाता है लेकिन फिर भी उनकी सेवा करता है, ऐसी मानसिकता गोकर्ण की मानसिकता है। तो हमें अपने कार्यकलापों से अपने आप को परखना चाहिए कि हमारी मानसिकता क्या है। और अगर हमारी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति की मानसिकता है, अपने को ही सुख देने की मानसिकता है, तब निश्चित रूप से हम धुंधकारी के ही फॉलोअर हैं। धुंधकारी भले ही ना हो लेकिन धुंधकारी के फॉलोअर तो है ही है, गोकर्ण के फॉलोअर नहीं है। तो भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अब हम वापस आ रहे हैं। भगवान बोलते हैं मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। किसका? जो ऊपर के कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? पहला, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करता है। हम लोग करते हैं नहीं करते, अपने कर्मों को करते हैं खुद भोगने के लिए। हमारे कर्म इसलिए, अगर मुझे भोगने का लालच न हो तो आलसी बन जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, सेवा के लिए कर्म नहीं करते। अगर मुझे लगता है कि मैं ये कर्म करूंगा और उससे मुझे ये फल मिलेगा, फिर मैं इन फलों को ऐसे ऐसे भोगूंगा, तब मुझे कर्म करने में बड़ा उत्साह आता है। और जब मेरे मन में ये आता है कि मैं फलों को भोगना नहीं है, ये भोगना सही नहीं है,
तो फिर क्या बोलते हैं, फिर हम विरक्ति का दिखावा करते हैं, बोले हम तो विरक्त हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान बोल रहे हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझमें समर्पित करो, यानी मेरे लिए कर्म करो। लेकिन हम लोग कर्म किसके लिए करते हैं? अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की इंद्रियों के लिए और अपने शरीर से जुड़े हुए शरीरों के लिए बस। तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं। अविचलित मतलब बिना विचलित हुए करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करते हैं, यानी निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। ऐसा चिंतन किसका होता है संसार में? पत्नी और बच्चों का। निरंतर कहीं भी रहें वो बच्चों ही दिमाग में घूमते हैं, तो चिंतन तो पत्नी का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है, समर्पण शरणागति पत्नी और बच्चों के प्रति है, और मरने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि वैकुंठ धाम जाएंगे। तो भैया कर्म जहां के लिए करोगे वहीं तो जाएंगे हम लोग, चाहे कोई हो, हम जैसे कर्म करेंगे वैसी ही हमारी गति होगी। इसलिए आचार्यों ने बताया कि पत्नी को शादी किया है, बच्चे उत्पन्न किए हैं, तो उनका देखभाल करना, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन उतना ही धर्म हमारा भगवान के प्रति भी है, माता पिता के प्रति भी है और गुरुजनों के प्रति भी है। तो जीवन में शास्त्र बताता है कि 50% परिवार के लिए करो और 50% कम से कम कृष्ण के लिए करो। अगर जीवन में ईमानदारी से यह भी हो जाता है कि 50% तो चिंतन परिवार का है और 50% कृष्ण का चिंतन है, भक्तों का चिंतन है, गुरुजनों का चिंतन है, तब संभावना है कि मृत्यु के समय भगवान याद आएंगे। और वरना 100% मृत्यु होने पर परिवार ही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। संसार में बिल्कुल निश्चित है कि हमको परिवार याद आएगा, क्योंकि हम परिवार भावना भावित हैं, कृष्ण भावना भावित नहीं है। कब बनेंगे उसका हमें प्रयास करना है, बिना अपने आप को धोखा दिए। उस पर चिंतन हमको खुद ही करना है कि मेरा मन किधर लगा है, परिवार की चिंतन में कितना है और भगवत सेवा में कितना है, भगवत चिंतन में कितना है, हमें खुद देखना पड़ेगा। कोई हमको नहीं ऑब्जर्व कर सकता, हमें खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि मरेंगे तो हम ही अकेले मरेंगे और गति भी हमारी ही होगी, तो डिसीजन भी हम ही को लेना है और हम ही को बदलना है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक इस श्लोक पर चिंतन करना चाहिए कि अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके तथा विचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए, पूजा करते हुए अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर कर देते हैं और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु से पार कर देता हूं। लेकिन ऊपर वाले काम करने पड़ेंगे, तब बिना हाथ उठाए भी भगवत धाम चले जाओगे। और ऐसे जब पूछा जाएगा भगवत धाम जाएंगे, बोले हाँ जाएंगे, और जो ऊपर की कंडीशन है वो एक भी करेंगे नहीं, तो खाली हाथ उठाने से तो जाएंगे नहीं, उसको वैसा करना पड़ेगा। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधारमन बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, कोई कमेंट, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।